जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पहला T20 मुकाबला आज के दिन खेला जाने वाला है, इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में आप सभी को भारत और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली आज मैदान पर। और दोस्तों यहां पर काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भारतीय टीम में जोड़े गए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी जरूर एक बार के लिए दंग हो जाओगे। तो आपको पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम जानेंगे वो ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे रोहित शर्मा, BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, अब सीरीज में होंगे शामिल। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया, जानकर पूरा देश हो जाएगा खुश। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम जीते और रोहित शर्मा की वापसी हो, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार यानी कि आज ही के दिन 4 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। तो वहीं भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को पहले 2 मैचों में लक्ष्य को पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा था, जबकि तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था। और ऐसे में अब टीम कोशिश करेगी कि वो T20 सीरीज में वापसी करे और मेजबान टीम को हराकर यह सीरीज अपने नाम करे। तो हम आपको बता दें कि यह लगातार 5वां साल होगा जब दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ T20 सीरीज खेलने उतरेंगी। आखिरी दो बार जब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई थी तब 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी, लेकिन आज ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम मैदान पर जीत को हासिल करती है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है उसका पहला मुकाबला कैनबरा के मेनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा और वहीं दूसरा और तीसरा T20 सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट Sony 10-1, Sony 6 और Sony 10-3 पर किया जाएगा। और अगर आप सभी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो तो आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो ही जानकारी पूरी मैच के बारे में, लेकिन अब आइए चलिए हम बात करते हैं एक एक करके दोनों की ही प्लेइंग 11 टीमों के बारे में कि आज के इस मुकाबले में आप सभी को कौन कौन से खिलाड़ी टीम में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो ओपनिंग करते हुए आज आप सभी को दिखाई दे सकते हैं उसमें होंगे DRC शॉट और एरन फिंच। तो वहीं बात करें मिडिल ऑर्डर की तो मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन का नाम रखा गया है। तो वहीं बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में आज आप सभी को मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, एस्टन अगर, एडन जंपा और शीन अबूट दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो ही ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम। तो वहीं अब चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो दोस्तों जो आज आप सभी को भारत की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे उसमें शामिल होंगे शिखर धवन और KL राहुल। वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे का नाम रखा गया है। तो वहीं ऑलराउंडर पक्ष में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को जगह दी गई है। और वहीं बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और टी नटराजन को आज के T20 मुकाबले में जगह दी जाएगी। हालांकि दोस्तों यहां पर भारत की प्लेइंग 11 टीम में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा का नाम दिखाई नहीं देता, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या T20 सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी BCCI को करवानी चाहिए या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया, जानकर पूरा देश हो गया खुश। दोस्तों तीसरे और आखिरी वनडे में सम्मानजनक जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को मेनुका ओवल मैदान से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज करेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया, तो वहीं शुरुआती मैचों में भारतीय टीम भी चाहेगी कि इस सीरीज को जीते। तो वहीं दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों ही खिलाड़ियों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि खिलाड़ी 48 घंटों के बीच में कैसे वनडे से अपने आप को T20 प्रारूप में डालते हैं। वहीं खिलाड़ियों ने हालांकि 1 महीने पहले IPL का लंबा सीजन खेला था, लेकिन 3 मैचों की वनडे सीरीज में उन्हें 50 ओवरों के प्रारूप में ढला दिया था। हालांकि दोस्तों आज के इस मुकाबले में जीत हासिल कर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मैदान पर हराने वाली एक इकलौती मात्र टीम बनना चाहेगी। तो ऐसे में दोस्तों अब देखना होगा कि आज के इस मुकाबले में क्या भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या फिर नहीं। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा पाएगी या फिर नहीं। आप अपनी
कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से मात खाई थी। तो इसके बाद भारतीय टीम को अब मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ना है, जिसका पहला मुकाबला शुक्रवार 4 दिसंबर को कैनबरा के मेनुका ओवल में खेला जाएगा। और दोस्तों जैसे कि हम सभी ने तीसरे वनडे मुकाबले में देखा कि मेनुका ओवल के मैदान पर भारतीय टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते पहला T20 मुकाबला जीतने के आसार भारतीय टीम के बढ़ जाते हैं। तो इन दोस्तों हम आपको बताएं कि भारतीय टीम को ये T20 सीरीज जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वनडे सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रौंदा है उसको शायद ही कोई भारतीय भूल पाया होगा। और ऐसे में अब सभी भारतीय चाहेंगे कि T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर भारतीय टीम वहां पर एक नया इतिहास रचे। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय टीम को ये T20 सीरीज जीतनी है तो उसके लिए एक बेहतरीन स्क्वाड की घोषणा अब BCCI की तरफ से कर दी गई है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि BCCI ने वाले हो। तो आइए चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल वाइज बताते हैं कि T20 सीरीज के लिए किन किन खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। और दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी लिस्ट को तो देखे बिना आप कहीं भी मत जाइएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि किन किन गेंदबाजों को भारतीय टीम में मौका दिया गया है। तो दोस्तों जो आप सभी को भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करित बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चहर और टी नटराजन। तो इसमें दोस्तों यहां पर गेंदबाजी में काफी बड़े बड़े नामों को शामिल किया गया है भारतीय टीम के स्क्वाड में। तो वही बात करें ऑलराउंडर की तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को शामिल संभाल तो हम सभी को नजर आएंगे। उसमें होंगे KL राहुल, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, मनीष भारतीय टीम की तरफ से नजर आ सकते हैं। उसमें है शिखर धवन और मयंक अग्रवाल। ऐसे में दोस्तों यही पूरा T20 स्क्वाड है भारत का जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया है। बाकी आप अपनी स्क्रीन के सामने भी इस लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। लेकिन अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या T20 सीरीज के लिए BCCI को रोहित शर्मा की वापसी टीम में करवानी चाहिए थी या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि विराट कोहली की कप्तानी पर सुनील गावस्कर ने दिया ये बड़ा बयान, जानकर आप भी रह जाओगे दंग। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले कप्तान खिलाड़ी बन गए हैं और उनकी निरंतरता कमाल की है। तो कोहली ने न केवल 12,000 रन बनाए बल्कि सबसे तेजी से बनाए, उन्होंने मात्र 242 पारियों में ही यह कारनामा कर दिखा दिया है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर सबसे तेज 12,000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज थे, जिन्होंने तो भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसी खिलाड़ी के रूप में विकास प्रेरणादायक है और अभूतपूर्ण है। उन्होंने कहा खेल के सभी प्रारूप में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। जिस तरह से वह 2000 U19 खिलाड़ी के रूप में बल्लेबाज थे उसी तरह से उन्होंने अपने खेल को विकसित किया है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सुनील गावस्कर ने काफी तारीफ करी विराट कोहली की। लेकिन अब आपका क्या ख्याल है सुनील गावस्कर के इस बयान को जानने के बाद? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।